हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडो शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था? होम्स इन हॉलैंड तक यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, व्हाट कुड ही डू, नो स्टोन वुड फिट द होल, नो अमाउंट ऑफ अर्थ पैक इन टू द स्रीव्स कुड रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ द वॉटर। जो पीटर था उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस होल में कोई भी स्टोन फिट नहीं हो रहा है, तो वो उस पानी के जो बहाव है, उस पानी का जो प्रेशर है, उसको वो कैसे रोकेगा। पीटर वॉज डिस्पेरेट, फॉरगॉटन नाउ वेयर हिज बंच ऑफ फ्लावर्स विच फेल अननोटिस्ड फ्रॉम हिज हैंड, ही स्ट्रेन्ड हिज आईज इन अ वेन सर्च फॉर ट्रेवल्स ऑन द लोनली रोड, वेली शाउटेड आउट फॉर हेल्प अंटिल हिज थॉट वॉज होर्स, व्हाट कुड ही डू, एन आइडिया स्ट्रक हिम। वो बहुत ज्यादा डिसपेरेट हो गया, तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो फ्लावर्स अपनी मदर के लिए लेके आया था, बंच ऑफ फ्लावर्स, वो भी वो वहीं भूल गया। उसने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया और अकेले रोड पे चलने लगा, और उसको और वो चिल्लाना चाहता था लेकिन हेल्प के लिए, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्लाइम अगेन अप द स्टीप बैंक, वो फिर से वहां पे गया। फ्रॉम स्टोन टू स्टोन ही थ्रस्ट हिज फिंगर इनटू द होल एंड इट फिटेड। वो वहां गया और उसने उस होल में अपनी फिंगर डाली और फिंगर क्या उसमें फिट हो गई। इट स्टॉप्ड द टिंगलिंग वाटर फॉर द मोमेंट, कुछ टाइम के लिए पानी रुक गया। बट ओ व्हाट वुड हैपन व्हेन ही टुक इट आउट, उसने सोचा कि जब मैं अगर फिंगर को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, पूरा पानी बाहर निकल आएगा। इट वॉज क्लियर एज डे लाइट, व्हाट डू टू, he would not take it out until someone should come to relieve him. Forgetful of what these ideas might bring to him if carried out, he chucked with boyish delight in his real adventure. So, बोला उसने ये काम तो अभी दिन में कर लिया है, दिन के समय में उसने ये काम कर लिया है, वो बाद में उसको मतलब ये चीज करके बहुत खुशी हो रही थी कि उसने बहुत अच्छा एक एडवेंचर किया है, किसने उस पानी को रोक लिया है। हा ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप को हा हा करके हंसने लगा। द वॉटर कैन नॉट कांट कम डाउन नाउ, हर लिम्ब शैल नॉट बी ड्राउन वाइल आई एम हियर टू कीप द फ्लड पैक। द वॉटर कैन नॉट कम डाउन नाउ, उसने बोला कि अब पानी बाहर नहीं आएगा और जो मैं हर लिम्ब है वो बाढ़ से बच जाएगी। For a while, excitement keep him warm and fearless. Then the chill darkness of the night surrounded him. और जो रात का समय था उसको बहुत chilled हुआ, बहुत relaxed feel हुआ. All sorts of strange noises fell upon his unaccustomed ears. He seemed to see giants and demons lurking near. उसे अचानक से stranger की आवाज सुनाई देने लग गई, अचानक से जरूर टू पॉन्स अपॉन हिम एंड किल हिम, और रेडी हो गया। उसे लगा कि कोई स्ट्रेंजर से आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, वो रेडी हो गया उसे मारने के लिए। ऑल्दो ही वॉज अ स्टडी लैड, इयर्स केम एट लास्ट, ही कुड नो लॉन्गर कीप बैक थॉट्स ऑफ हिज कंफर्टेबल बेड एट होम, ऑफ द पेरेंट्स हु माइट बी इवन देन वरिंग अबाउट हिज सेफ्टी। उसको जो आवाजें आ रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है। ओके तो बच्चों, उसको ये मतलब वो बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल फील करता था जब वो घर में अपने पापा मम्मी के साथ सोता था, तो उसको कोई टेंशन नहीं रहती थी, रिलैक्स होकर सोता था। और इस समय उसके मम्मी पापा सो गए थे और वो लोग ये सोच रहे थे कि ही हैज स्टेड इन नाइट विद द ओल्ड मैन वंस बिफोर हिज पेरेंट्स, ही हैड प्रोबेबली गोन टू स्लीप विदाउट वरिंग टू मच। वो बिना वरी के सो रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि जो पीटर है वो ओल्ड मैन के साथ सो रहा है। एंड पीटर वॉज आउट इन द डार्क नाइट अलोन, लेकिन पीटर जो था वो अंधेरी रात में अकेला था बाहर, इन सच माइजरी एंड पेन, दर्द के साथ। द पेन ग्रू ग्रेटर, द माइजरी हार्डर टू बी वेयर एवरी मोमेंट नाउ, बट स्टिल पीटर कीप्ड हिज फिंगर इन द डार्क डेंजरस होल। उसी को पता था कि उसने वो रात कैसे बिताई, जो डार्क नाइट थी वो अकेले उसने कैसे स्पेंड की, उसी को ये चीज पता थी। उसने अपनी फिंगर उस डेंजरस होल में किस तरीके से रखी थी,
ही ट्राइड टू विसिल होपिंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ पासिंग ट्रैवलर बट हिज टीथ चैटर्ड सो मच दैट ही गिव इट अप। उसने बोला वो जितने भी लोग वहां से आ जा रहे थे जितने भी ट्रेवल्स थे वो चाहता था कि वो उनको अटेंशन करे मतलब वो उनकी उसकी तरफ ध्यान दे। सडनली ही रिमेम्बर्ड वॉट ही हैड बीन टॉट एट हिज मदर नी एंड प्रेड टू द ग्रेट गॉड हु कुड कंट्रोल द सर्जिंग सी एंड प्रोटेक्ट अ बॉय हु वॉज डूइंग हिज बेस्ट। उसकी मम्मा ने उसको सिखाया था कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो नी के बल बैठ के आप गॉड से प्रेयर करोगे तो वो आपकी सारी विशेष फुलफिल करेगा, वो आपको सारी मुसीबतों से बचाएगा। तो इफ ही एवर प्रेयर विद हिज होल हार्ट ही प्रेयर सो दैट नाइट इन द डार्कनेस, वो पूरी रात इसी तरीके से प्रेयर करता रहा। व्हेन हिज प्रेयर वाज सेड ही समहाउ फेल्ट ब्रेवर स्ट्रॉन्गर एंड ओल्डर देन बिफोर एंड इन हिज हार्ट ही सेड आई विल नॉट टेक इट आउट टिल समवन कम्स आई विल स्टे टिल मॉर्निंग। उसने बोला कि जब तक कोई नहीं आ जाता तब तक मैं इसी तरीके से गॉड की प्रेयर करता रहूंगा और वो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। और वो ऐसे कब तक करेगा जब तक सुबह नहीं हो जाती, मतलब सुबह भी हो जाएगी तभी वो इस तरीके से प्रेयर करता ही रहेगा। लॉन्गर एंड लॉन्गर ग्रू द आवर्स, बहुत घंटों ऐसे बीतते चले गए, मिनट्स बीतते चले गए, सेकंड्स बीतते चले गए एंड येट द नेवर मूव्ड, और कुछ भी मूव नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देयर वर स्ट्रेंज नॉइसेस इन हिज हेड हिज थॉट वर कंफ्यूज, उसके सर की तरफ एक नॉइस उसको आवाज सुनाई दी और वो कंफ्यूज हो गया। पिक्चर ऑफ हिज प्लेमेट्स ऑफ इवेंट्स लॉन्ग अगो फॉरगॉटन डांस बिफोर हिज आईज, जब बहुत ऐसे घंटों बीतते चले गए, मिनट्स बीतते चले गए, वो वहां पे वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, उसने और किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, कहीं से आवाज भी आ रही थी तो वो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट श्योर ही कुड ड्रॉ हिज फिंगर आउट ऑफ द होल इवन इफ ही विश टू डू सो, इट फेल्ट सो स्ट्रेंजली नब, वाई डिड इट फील लाइक नाइफ्स फॉर कटिंग एंड पेन स्प्रिकलिंग हिम फ्रॉम हेड टू फुट, वॉट वुड हैपन इफ नो वन एवर फाउंड हिम, नो वन एवर केम टू हेल्प। वो उसकी जो फिंगर थी वो एक नाइफ की तरह वो काम कर रही थी, जो होल में उसने लगा के रखी थी वो एक नाइफ की तरह काम कर रही थी। तो वो मतलब उस फिंगर को लगा के रखा, उसने बोला कि मैं जब तक इस फिंगर को हटाऊंगा नहीं जब उसकी हेल्प के लिए कोई आने जाता। एट लास्ट द रोज एंड सिल्वर ऑफ द डाउन फ्लश द स्काई, डे हैड कम एंड अलोंग द लोनसम रोड केम द फर्स्ट ट्रैवलर इन ऑल द आर्ट्स ऑफ पीटर विजिल। इस पूरे घंटों बाद एक ट्रैवलर आया, फर्स्ट ट्रैवलर आया पीटर विजिल, जो कि उसी से वॉच कर रहा था, उसने वो फिंगर लगा के रखी सारी चीजें वो वॉच कर रहा था। अप्राइज्ड हूज नाइट हैड बीन स्पेंट बाय द बेड साइड ऑफ अ सिक पर्सन वॉज हरिंग होमवर्ड ऑन द पाथ बिसाइड द डेक, ही हर्ड अ ग्रोन अ फेबल साउंड ऑफ समवन इन अ लॉट ऑफ पेन, टर्निंग ही ग्लास फर्स्ट हेयर एंड देयर एंड लुक अप, एट लास्ट ही सॉ द चाइल्ड वर्थिंग इन अगोनी। तभी वहाँ पे एक प्राइस्ट आते हैं और वो ये सब चीजें देखते हैं कि एक बॉय है जो बहुत ही दर्द सहन कर रहा है और उसने अपनी फिंगर उस होल में लगा के रखी है बहुत टाइम तक। इन ए सिंगल पॉइंट द प्राइस्ट वॉज बिसाइड हिम एक्सक्लेमिंग इन द नेम ऑफ द वंडर बॉय व्हाट आर यू डूइंग हियर, उस वंडर बॉय के पास वो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है आई एम कीपिंग द वाटर फ्रॉम रनिंग आउट सेड पीटर, ओ कांट यू आस्क देम टू कम क्विक, वो बोलता है कि मैं पानी के बहाव को रोक रहा हूँ जो कि निकल के हमारे पूरे हॉलैंड को बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मैं उस पानी के बहाव को रोक रहा हूँ। एंड दे डेड द टाउन ऑफ हार्लेम इवन हॉलैंड इटसेल्फ हैड बीन सेव थ्रू द करेज ऑफ ए लिटिल बॉय हु डिड हिज ड्यूटी, फ्रॉम दैट डे टू दिस देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल चाइल्ड इन हॉलैंड हु हैज नॉट हियर द Staring story of Peter whose name will never be forgotten। उसने बोला कि मेरी भी ड्यूटी होती है हार्लेम के लिए कि मैं अपने टाउन को सेव करूं, ये मेरी भी एक ड्यूटी है। तो ये सब स्टोरी जो भी थी, उसकी कहानी जो थी, हॉलैंड में कोई भी ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसने ये स्टोरी पूरी सुनी ना हो, सब बच्चों ने स्टोरी सब सुनी
और सबने उसे सीखा कि मुसीबत में भी हमें हेल्प करनी चाहिए सबकी। ठीक है, तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? केट डिकिंसन स्विस्टर। बच्चों आपको होमवर्क में इसके वर्ड मीनिंग करने हैं और टिक द कलेक्ट करने एंड फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे एंड ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।